उन्हें लगता था कि मैं वापस नहीं आऊंगा, म्यूजिक तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुम्हारे प्यार ने मुझे मजबूर किया वापस आने को। हनी 3.0। सो फाइनली जिस चीज का हर एक फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा था वो अब होने जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यो हनी सिंह की तीसरी एल्बम हनी 3.0 के बारे में, जिसकी ऑफिशियल रिलीज डेट फाइनली अनाउंस हो चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले हनी पाजी एक पोस्ट ड्रॉप करते हैं, जिसे देखने के बाद सभी लोगों के होश उड़ चुके हैं, क्योंकि इस वाले पोस्टर में हनी पाजी अपनी कमबैक के बाद फर्स्ट टाइम विदाउट टी शर्ट के साथ आए हैं। मतलब फुल ऑन इंटरनेशनल विलेजर के गाने ब्राउन रंग जैसी फील हनी पाजी ने दिला दी है। इस पोस्टर को देखने के बाद मुझे तो कसम से रोना आ गया था, क्योंकि 2019 में पाजी कुछ ऐसे दिखते थे, लेकिन अब हनी पाजी ने उन सभी लोगों के मुंह पे खींच के तमाचा मारा है। बात करें इस एल्बम की रिलीज डेट के बारे में, तो आप लोग इस पोस्टर पे साफ साफ देख सकते हो कि हनी 3.0 इसी महीने की 15 तारीख को ड्रॉप हो जाएगी। मतलब आज के दिन से पूरे 15 दिन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब आज अप्रैल फुल डे है, तो ये मत समझ लेना कि ये पोस्ट फेक है। आप लोग इंस्टाग्राम पे जाके हनी पाजी का अकाउंट देख सकते हो। मैं बता दूं, इस एल्बम के फर्स्ट पोस्टर के साथ ही हनी पाजी ने फर्स्ट सॉन्ग भी रिवील कर दिया है, जिसका नाम नागन होने वाला है। जी हाँ, अगर आप इस पोस्ट का कैप्शन पढ़ोगे तो पाजी कुछ ऐसा लिखते हैं, प्रेजेंटिंग यू द कवर आर्ट ऑफ माई एल्बम हनी 3.0 रिलीजिंग ऑन 15th अप्रैल विद द फर्स्ट सॉन्ग नागन। आई एम नॉट अ चॉकलेट बॉय इन दिस पिक्चर, आई एम द मड फ्रॉम विच द लोटस ऑफ द होप ग्रोस आउट, होप यू विल लव माई दिस पीस ऑफ आर्ट। मतलब हनी 3.0 का पहला गाना नागन होने वाला है, ये 100% कन्फर्म्ड है। साथ में हनी पाजी ये भी बोलते हैं कि वो इस पिक में चॉकलेट बॉय नहीं है, बल्कि कीचड़ है जिसमें होप का लोटस ग्रो होता है। सो बहुत बड़ी बात हनी पाजी ने यहाँ बोल दी है। मैं बता दूं, हनी 3.0 के दो गाने ऑलरेडी शूट हो चुके हैं, लेकिन तीसरा गाना अभी भी शूट होना बाकी है। फिर भी हनी पाजी ने इस एल्बम का फर्स्ट पोस्टर ड्रॉप कर दिया है। वेल, इस एल्बम की बाकी ट्रैक लिस्ट भी अभी आनी बाकी है, देखते हैं कब तक हमें ये भी देखने को मिल जाए। सो 15 अप्रैल को इस साल की सबसे बड़ी एल्बम हनी 3.0 ड्रॉप होने वाली है जी म्यूजिक कंपनी पे। अब आप लोग इस एल्बम के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, और इस एल्बम का ये पोस्टर देखने के बाद आपका रिएक्शन आखिर कैसा था, जरा मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।